Hi, this is Rahul Kapoor and I'm in Chicago right now and I have the honor and the privilege of having Neeta Bhushan with me, who is the Consul General of India in Chicago. It's such a pleasure to have you with us, ma'am. Thank you. I've heard a lot about you and today I have a chance to talk to you. You have studied in Bihar, Patna, and after that you have civil services exam in 1994. Mein. जहाँ पर काफी लोगों के विचार में ये भी नहीं होता कि पढ़ाई पूरी होगी मगर आपकी सोच इतनी बड़ी थी एंड देन यू वेंट ऑन टू जॉइन द आईएफएस 24 इयर्स एंड नाउ इन शिकागो फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस फॉर योर अमेजिंग अचीवमेंट्स थैंक यू सो मच लॉट्स ऑफ गर्ल्स इन इंडिया वुड लव टू हियर अ मैसेज अबाउट हाउ दे कैन मेक देयर विजन एंड देयर ड्रीम्स कम ट्रू क्या हम एक मैसेज दे सकते हैं थैंक यू राहुल जी मैंने जैसे आपको बताया कि पटना के एक छोटे शहर से मैं पैदा हुई वहीं पली बड़ी और उसके बाद फिर दिल्ली में पढ़ाई की लेकिन मैं किसी भी कोने में हम रहें किताबें हों चाहे टीवी के माध्यम से हर तरह से हमें पूरी दुनिया की खबर तो मिलती है तो मैं जो लड़कियां अभी पढ़ रही हैं स्कूल में हैं या कॉलेज में जा रही हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और आप देखें कि किस में इंटरेस्ट है और उस फील्ड में चाहे कितने लोग कहें कि नहीं हो सकता आप उस फील्ड में आगे बढ़ें और अपने माइंड को स्ट्रांग रखें जो आप स्ट्रांग अगर रहेंगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता और आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकती हैं और ये मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी ड्रीम जो है ना कोई भी एक सपना हो वो लगता बहुत दूर है बट अगर छोटे छोटे स्टेप्स लें तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि मेहनत तो करनी पड़ती है हार्ड वर्क होता है कमिटमेंट और पर्सनल सैक्रिफाइस होता है लेकिन अगर हम स्टेडफास्ट वे में अपना काम करते रहें तो हम अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएंगे और लड़कियां आजकल इतनी स्मार्ट हैं और उनको पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हैं और उनको बस अगर वो एक छोटा सा एनवायरनमेंट फैमिली का मिल जाए जहाँ पे एक सपोर्टिव हो तो बहुत कुछ कर सकती हैं तो मेरा यही संदेश है कि कभी भी हिम्मत ना हारें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रहें और ज़रूर मिलेगा और हमारी सारे यू नो सोसाइटी में देख रहे हैं आज लड़कियाँ हर कुछ कर रही हैं चाहे आप कहिए कि वो एयरफोर्स में जा रही हैं पायलट्स बन रही हैं ऐसे ऐसे काम जो कहते थे कि नहीं लड़कियाँ नहीं कर सकती वो भी हम लड़कियां करके दिखा रही हैं तो इस भावना से अपने कार्य को करते रहें और जरूर प्राप्त करें तो लेट मी आस्क यू वन क्विक क्वेश्चन जब व्हेन यू आर फेसिंग अ डिफिकल्ट मोमेंट अ वेरी चैलेंजिंग मोमेंट हाउ डू यू बाउंस योरसेल्फ बैक करते क्या है हाँ सो आई थिंक ऑफ माय फैमिली एंड आई थिंक ऑफ द फैक्ट दैट यू नो अपने मेरिट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी यू नो एक सेइंग है इंग्लिश में कि बी बोल्ड एंड माइटी फोर्सेस विल कम टू योर एड एंड आई रियली बिलीव इन दैट इफ यू आर बोल्ड एंड यू आर ऑनेस्ट गॉड हेल्प्स यू यू नो ये आपके जो पहले वाले मैसेजेस थे ऑल ऑफ दिस आई एम श्योर इज गोना इंस्पायर अ लॉट ऑफ दीस यंग गर्ल्स हु हैव अ ड्रीम एंड अ विजन बट अ क्विकली लास्ट एंड फॉलो अप क्वेश्चन शादी भी हो चुकी है तो वर्क लाइफ बैलेंस भी होता होगा देयर आर लॉट्स ऑफ वुमेन आउट हियर इन इंडिया टुडे हु आर वर्किंग एज़ वेल आप में उनके लिए एक संदेश है कि हाउ डू यू मैनेज हाउ डू यू अचीव योर वर्क लाइफ बैलेंस हाँ जब हम कोई भी काम करते हैं व्हेन वी डू समथिंग देयर इज एन इनॉर्मस पर्सनल सैक्रिफाइस आई विल एक्सेप्ट दैट वेदर इट इज विद योर फैमिली हस्बैंड और चिल्ड्रन देयर इज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस बट वी हैव टू ट्राई एंड मेक द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन बैलेंस इट इन इन यू नो द बेस्ट वे पॉसिबल एंड यू नो I would like to mention about family. Family support, emotional support or physical support has helped me reach where I am. And I would request all parents, brothers, sisters to support the girl in the family in whatever way they can. Wow. What a message it is coming all the way from Chicago and from the mouths of Neeta Bhushan. She's been very clear about the fact that it is not that you're a man or a woman that's going to differentiate your how successful you're going to become. But what she's saying is this, that you need to have your goal clear and then give you 100%. She speaks of the very beautiful concept of the support of the world coming to you, but she also then speaks about the family support. So, your messages humko yahan se mile hai. I really hope that it's going to inspire you to go ahead and make your dreams come true and also make India proud. Ma'am, thank you very much for talking to us.